है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, जब भी हमारा पेशेंट जो होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस है या कॉन्शियस है, उस कंडीशन में अगर पेशेंट के जो है लंग्स में जो है स्पुटम कलेक्ट है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम उसे कैसे पेशेंट की हेल्प से, ठीक है, या आर्टिफिशियल मेथड की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं सिक्रेशंस को या स्पुटम को। ठीक है, इसके थ्री मेथड्स होते हैं, मेन होते हैं पोस्टरल ड्रेनेज, ठीक है, दूसरा होता है परकुशन और तीसरा होता है वाइब्रेशंस। ठीक है, पोस्टरल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, पेशेंट का जो है, ठीक है, लेफ्ट लंग्स में अगर सिक्रेशंस है यानी स्पुटम कलेक्ट है, या राइट लंग्स में या दोनों में, ठीक है, उसको पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करके, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो है सेंटर में ला के पेशेंट के जो भी स्पुटम है उसको रिमूव करना। ठीक है, परकुशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कप शेप में हैंड बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, ऐसे प्रेस करना होता है पेशेंट की, टैपिंग करेंगे चेस्ट पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होता है, फिंगर्स की हेल्प से आपको कैसे प्रेस करना है। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, पेशेंट है, हमने प्रोसीजर पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये पेशेंट की जो है पोजीशन कौन सी, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पोस्टरल ड्रेनेज में आप इसको ले लीजिए। ठीक है, मैंने हैंड्स को अपने कप शेप में दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ने कर लिया और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को आप साइडलाइन पोजीशन देंगे, हैंड्स की पोजीशन सेट करिएगा, इसको मेरे साइड करिए, हैंड की पोजीशन जो है इनकी अपर साइड आप रखेंगे कंफर्टेबली, डमी इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक में कुछ उतर के देंगे, परकुशन हम अब भी कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाइएगा। हेड की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कप शेप में ही आपको पूरी बैक में आपको फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद फिर से आपको वाइब्रेशंस करनी है। ठीक है, जिससे स्पुटम जो है सेंटर में कलेक्ट हो सके। ठीक है, इसके बाद पेशेंट जो है हमारा, ठीक है, आप उसको सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी, अगर हॉस्पिटल में तो किडनी ट्रे दे सकते हो। ठीक है, कि पेशेंट जो है खुद से ट्राई करें, कफ करें, ठीक है, जिससे जो स्पुटम जो है, ठीक है, कप में आ सके। कप में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए पहले, ठीक है, जिससे वो उसमें कप में जो है चिपके नहीं। ठीक है, ये ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, इनको प्रोन पोजिशन प्रोवाइड करें। ये देखिए, ये जो फ्लो है ना, ये चेस्ट पे आनी चाहिए। ठीक है, दो से तीन फ्लो की नीड होती है कम से कम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से वाइब्रेशंस। इसके बाद आप उसको फिजियोथेरेपी नॉर्मली जो होती है 15 से 20 मिनट तक प्रोवाइड करनी होती है नॉर्मली, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कितनी देर तक प्रोवाइड करनी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पेशेंट को भी, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर पेशेंट कैपेबल है, ठीक है, तो फिर से आप उसको कफ करने को बोलेंगे। ठीक है, अगर आपका पेशेंट कैपेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, सक्शनिंग करनी है पेशेंट की, आर्टिफिशियल मेथड से जो होता है सिक्रेशंस को रिमूव करने करना है आपको, और अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है तो आप नेबुलाइज भी करवा सकते हो। ठीक है, नेबुलाइजेशन क्या होता है पता है,
आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें ड्यूलिन फ्लुएल एस्थिलिन म्यूसिनैक कई सारे जो होती मेडिसिन होती है इंजेक्शन होते हैं वो डालकर ठीक है नेबलाइज कराते हैं पेशेंट के मास्क लगा देते हैं ठीक है मास्क लगाने के बाद मशीन नेबलाइजर मशीन ऑन करते हैं 15 से 20 मिनट तक धूप भी प्रोवाइड करनी होती है ठीक है वो क्या करनी होती है सिटिंग पोजिशन में होना चाहिए पेशेंट आपका 2 to 3 floors उसके बैक में होनी चाहिए पेशेंट कॉलर से सेमी कॉलर पोजिशन में होना चाहिए ठीक है उसके बाद वो फिर से कफ रिमूव करने की ट्राई करें थैंक यू।